यो भाई लोग कैसे हो आप सभी लोग। गाइस आज की इस वाली वीडियो में होने वाला काफी ज्यादा धमाल, तो वीडियो को स्किप करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, छोड़ के जाने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। अगर क्लिक कर लिया है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना एंड तक, एंड गारंटीड देता हूँ कि बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। एंड गाइस बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो गाइस, जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करा तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो, और गाइस वीडियो को मजे लेते हैं। और सबसे पहले मैं वीडियो का टॉपिक से बता देता हूँ आप लोगों को, आज कोई फन वीडियो नहीं है। और जिनको ये नहीं पता कि बुगाटी कहाँ से आई है, तो यार वो जाके ना मेरी एक शाहरुख खान वाली वीडियो देख सकते हो, जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे जो मतलब शाहरुख खान की जो वीडियो मतलब बुगाटी हमने चोरी करी थी, वो वीडियो मैंने बना रखी है, तो वो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चैनल पे ये, और बाकी अभी मैं बताऊंगा जब आज मैं जाने वाला हूँ डायमंड कैसीनो की एक हाईएस्ट करने के लिए, जो तुमसे ना हो पाएगा, वो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हाईएस्ट है, और उसका अपने को यार काफ़ी ज़्यादा पैसा भी मिलने वाला है। जो फिरौती के अंदर जो मतलब पैसा होगा वो तो होगा ही होगा, उसका 50% तो हमें मिलेगा ही, और अलग से जो काम हम करने जा रहे हैं उसका पैसा अलग से मिलने वाला है। तो वही मैंने कहा चलो कि ठीक है यार, आज काफ़ी थोड़ा मतलब काफ़ी टाइम बाद कुछ ऐसा करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले मुझे ये लोकेशन मिली है जहाँ पर मेरे को जाना है। तो वहाँ पर पहुँचने से पहले गाइस मैं बता दूँ आप लोगों को कि इस वीडियो को यार अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, और कमेंट करके ज़रूर से बताना वीडियो आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा। एंड मैं बता दूं आप लोगों को, ये बुगाटी यार कितनी ज़्यादा कमाल की, और डायमंड कैसीनो हाइस्ट करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमें जाके पता चलेगा कि कैसे क्या प्लानिंग वगैरह है। ऑल्ड ऑल सारा का सारा काम जो है डन हो चुका है, बस थोड़ा बहुत हमें जाके करना है कि ग्रुप 6 की कुछ वैन होगी उससे रिलेटेड कुछ हमें प्लान बनाया था, और इस बार प्लान के अंदर लेसर का कोई हाथ नहीं है, एक अननोन पर्सन है जिसने मेरे को एक काम दिया है, तो उसके लिए आज मैं काम करने जा रहा हूँ। तो गाइस फटाफट से पहले पहुँचते हैं लोकेशन पे एंड आर्केड पे पहुँच के, अभी गाइस थोड़ी देर में आपको बस मिलता हूँ। तो आगे यार भाई लोग अपन जस्ट पहुंच चुके हैं आर्केड के पास, और आर्केड अपना यहीं कहीं है पास में, ये रहा आर्केड यार, और आई थिंक मेरे को यहाँ पर इस गाड़ी को जो है पार्क कर देना चाहिए और यहीं पर लगा देते हैं यार, क्योंकि अपनी मतलब गाड़ी है सेफ रहेगी बिल्कुल, मतलब बुगाटी है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी ऐसे ले जाएगा, मतलब हाई सिक्योरिटी वाली गाड़ी है यार, कुछ भी थोड़ी हो सकता है, ऐसे आराम से थोड़ी ना हो जाएगा कुछ भी। तो गाइस अभी चलो अपन आ चुके हैं आर्केड के अंदर, और आर्केड जो है पूरा का पूरा खाली रहता है ऑल दी ऑल, यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा। और थोड़ा बहुत गाइस म्यूज़िक वगैरह बज रहा है, उसको अवॉइड करो, कोई बात नहीं। एंड उसने मेरे को बोला था कि यहाँ पर कोई नहीं मिलेगा, पूरा आर्केड हमने खाली करवा दिया है, कोई भी आज के दिन तुम्हें यहाँ नहीं मिलने वाला रिसीव करने के लिए, तुम बस सीधा अपना आना ऑफिस स्टाफ रूम के अंदर, स्टाफ रूम के अंदर आगे बस तुम्हें ये कॉइन पिक कर देना हुआ, और कॉइन पिक करते के साथ तुम्हें अपने आप आगे का रास्ता मिल जाएगा। तो ओके, अंडरग्राउंड टनल बना रखी है भाई, क्या लेवल की है भाई साहब, अंडरग्राउंड खेलते हैं ये लोग, बड़ी तेज हैं, बहुत ज़्यादा ही तेज हैं बाकी भाई साहब, मतलब हैकिंग का सिस्टम से लेके कितना आर्केड के अंदर भाई क्या क्या गन्स वगैरह बन रही हैं, ओए होए होए हो भाई। अपने को उस साइड जाना है, लेकिन उस साइड जाने से पहले मैं थोड़ा एक्सप्लोर कर लूँ यार, जगह तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ही ख़तरनाक सी है, एकदम अंडरग्राउंड है आर्केड के एकदम ही। और ये है वॉल्ट जो कि यार डायमंड कैसीनो के अंदर लगा हुआ है, उसके जैसा एक कॉपी है एक्सप्लेन करने के लिए कि वॉल्ट को कैसे क्या करना है उन सबसे टाइप के, लेकिन इस बार हम वॉल्ट को हैक या क्रैक करने नहीं जा रहे हैं गाइज। एंड अपने को देखो जो भी है यहाँ से अभी वहाँ पे जाके मैं पूरा का पूरा जो प्लान है वो रेड कर लेता हूँ, एंड उसके बाद जो भी होगा उसको मैं दिखाता हूँ अभी आपको। A few moments later. तो भाई लोग यार देखो अभी हम आ चुके हैं मतलब अपनी ग्रुप 6 की वैन के अंदर, और पूरा प्लान जो है मेरा प्लान जो था वो मैंने एक्सप्लेन कर लिया है खुद से, खुद को मतलब समझ लिया कैसे होने वाला, और आज की डेट पे हमारी बुगाटी यहीं खड़ी रहने वाली है, क्योंकि इसको मैं आते टाइम ले जाऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ सेफ है एकदम, कोई वैसी बात नहीं है। एंड ग्रुप 6 की वैन हमने क्यों उठाई है, ग्रुप 6 की ड्रेस क्यों पहनी है हम लोगों ने, ये चीज़ मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो इसलिए कराया क्योंकि गाइस जो डायमंड कैसीनो के अंदर जो डायमंड्स वगैरह आए हैं उसकी जो मतलब चेकिंग वगैरह ना वो ग्रुप 6 वाले ही करते हैं, और ग्रुप 6 की वैन हमने इसलिए चुराई ताकि हमारी जो एंट्रेंस है वॉल्ट तक बहुत ही सिंपली और इजीली हो जाएगी, बिजनेस हमें लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी, पुलिस वालों को पता नहीं चलेगा, कुछ भी खत्म नहीं होगा। प्लान इतना ज़्यादा खतरनाक है ना भाई लोग, अगर मैंने बता दिया तो सारा सस्पेंस बिगड़ जाएगा, तो वीडियो को भी देखते जाओ बस एंड तक, और इतना मतलब खतरनाक प्लान है ना, उससे पहले हम फटाफट से हमें जाना होगा डायमंड कैसीनो पे, तो पहले पहुंचते हैं एंड मिलते हैं थोड़ी देर के अंदर आपको। तो भाई लोग यार अपन आ गए हैं जस्ट डायमंड कैसीनो की पार्किंग के अंदर, और एक रास्ता यहाँ सीधी वाली पार्किंग से भी जाता है जहाँ से मैं नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये पार्किंग अलग है, और जिससे ग्रुप 6 वालों को जाना है जो कि वॉल्ट का रास्ता है यार, कितनी बुरी तरीके से चलाता हूँ मैं भाई के यार, देखो लिटरली जो वॉल्ट का जो रास्ता है ना, दूसरा भी तोड़ा कितनी बुरी तरीके से चलाता हूँ, वो जो रास्ता है वो इस वाले गैरेज के अंदर से होते हुए जाता है वॉल्ट का, तो यहाँ से हमें जाना है।
ओके भाई लोग, अपन लोग आ चुके हैं इनसाइड, जो मतलब हम अंदर आ चुके हैं अभी। और अंदर आने के बाद अभी हमें यहाँ पे मतलब सांप वाली गलियों के अंदर से होते हुए हमें आगे जाना है, जहाँ पे हमारी थोड़ी बहुत चेकिंग होगी कि हम लिटरली ग्रुप सिक्स वालों के ही मैं बंदे हैं या फिर उनकी एक जैसी वैन उठा के हमने बस ऐसे पेंट वगैरह कर दिया है। तो इस चीज़ के लिए हमारी यहाँ पर जो है गाइस चेकिंग हो रही है, जो कि ये जो अंदर मतलब तीन चार लौंडे बैठे हैं कंप्यूटर पर, वो चेक करेंगे। और आगे का गेट जब ही खुलेगा, जब आगे का गेट खुल गया है, चलो खुल चुका है, खुलेगा नहीं खुल चुका है। और यहाँ से अभी हमें जाना है सीधा वॉल्ट में, और वॉल्ट में जाके बस हमें जो है वहाँ पे ऐसे दिखाना है कि हम लोग चेकिंग करने के लिए आए हैं, बट वहाँ पर जाके जो है हम लोग उस वॉल्ट में पड़ा सारा का सारा सामान जो है वो चोरी करके ले आएंगे, लाइक डायमंड एंड गोल्ड एंड जितना भी कैश पेंटिंग पुंटिंग जो भी होगा सब उठा के ले आएंगे, कुछ छोड़ना ही नहीं है। तो अभी यहाँ से भी हम लिफ्ट पकड़ लिया है, लिफ्ट पकड़ के अपन लोग सीधा नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पर आ चुके हैं, जो सबकी बिल्कुल बेसमेंट के अंदर है। और बेसमेंट के अंदर समझ लो मतलब इनको लग रहा है कि इनके अकॉर्डिंग जो भाई ये जो मतलब बंदे बैठे हैं, इन लोगों के अकॉर्डिंग मैं एक सॉरी गलत वाले रास्ते से आ रहा हूँ, मैं ये वाला रास्ता है सही, ठीक है। तो हमारे पास जो एक की कार्ड भी है, और इन लोगों के अकॉर्डिंग जो है गाइज मैं एक ग्रुप सिक्स वालों का बंदा हूँ, बट रियली में मैं वो बंदा हूँ जो कि यहाँ पे ही डकैती करने के लिए आया हुआ है। तो यहाँ पर अभी हम लोगों को जो है मतलब एक अपना की कार्ड यूज़ करना है, जो कि अपने को मिला है उसको हमने यहाँ पे यूज़ कर लेना है, एंड यूज़ करने के बाद जो हमें एक्सेस मिल जाएगा अंदर जाने का। और भाई अंदर यार कितना ज़्यादा अंधेरा है, ओए भाई 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 भाई, मतलब ये जो जालियाँ आपको दिख रही है ना भाई लोग, ये इलेक्ट्रिसिटी वाली हैं, जिसके अंदर से अगर एक बटन होता है उसको प्रेस कर दिया जाए तो यहाँ पे पूरे का पूरे वॉल्ट के अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी फैल जाएगी। और कोई अगर इसके ऊपर चढ़ता है या फिर टच भी हो जाता गलती से भी, तो मतलब उसकी वहीं पर टपक जाएगा वो बंदा, मौत को छूके टक से वापस भी नहीं आ पाएगा, इतनी मतलब खतरनाक बात हो जाएगी। एंड यहाँ से अभी अगर हम लोग आगे चल के देखते हैं तो यार अभी तो वैसे बटन वटन नहीं दबा रहा है, तो हम आराम से जा सकते हैं। और ऐसे लगे गोल्ड है, बट ये एक लाइट है गाइज, एंड इसके थ्रू हमें अंदर जाना है। और अंदर कितना अंधेरा है भाई, कितना अंधेरा है। चलो भाई बात हो तो होने दो, फिर मिलता हूँ अभी। तो भाई लोग यार देखो, चलो अपना जो काम है वो हो चुका है, और अपने को यहाँ पे लूटपाट करनी है बस। हमने मतलब जो बाहर का जो बंदा अपने को समझा रहा था, गेट वेट खोल रहा था, हमने उसको टपका डाला, कोई दिक्कत नहीं है। एंड यहाँ से भी हमें हैकिंग करनी है, और हैकिंग करके जो अंदर डायमंड्स वगैरह पड़े हैं वो फटाफट से लूटना हमको। तो चलो फटाफट से मैं हैकिंग कर लेता हूँ फ्रंट ब्लेड, क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक और दिमाग के पार न जाने वाली कुछ ऐसी टाइप की हैकिंग है। एंड इसको यहाँ लगा दिया, इसको मेरा कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा है इतना, पर रुको थोड़ी देर अभी मैं करता हूँ इसको एक्सप्लेन। यहाँ से उठा के इसको अगर हम ले जाते हैं इधर इधर, तो चलो भाई लोग यार अपन ने हैक जो है सक्सेस कर लिया है पूरा का पूरा। और काफ़ी टाइम के बाद अपना हैक सक्सेस हुआ है, बहुत ज़्यादा ही टाइम लग चुका है इसके अंदर। एंड इसके बाद अभी हमको जो है एक्सेस मिल चुका है यहाँ से मतलब चोरी करने का। तो सबसे पहले जो है खतरनाक सी पेंटिंग्स है ना भाई, इनकी जो मतलब वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब महंगी है। तो इसके अकॉर्डिंग मेरे को सबसे पहले पेंटिंग वगैरह जो है वो कट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगी पेंटिंग है ये। डायमंड इनके बाद भी आते हैं, और पेंटिंग वगैरह जो है बड़ी आसानी से बिक भी जाती हैं, तो डायमंड का तो कुछ कह नहीं सकते इतनी आसानी से बिकेंगे नहीं बिकेंगे, पर पेंटिंग जो है बहुत ज़्यादा महंगी और आसानी से बिकने वाली चीज़ है, इसलिए सबसे पहले पेंटिंग वगैरह पे हाथ साफ करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अपने पास टाइम नहीं है। $3 million कुछ भी, ये तो भाई मतलब अलग ही लेवल बातचीत है यार, ये तो मतलब कुछ समझ नहीं आया, इतनी महंगी महंगी पेंटिंग। चलो यार कोई नहीं, मैं सारा के सारी पेंटिंग्स वाले काट करता हूँ, उसके बाद जो भी होगा वो भी कट करता हूँ, एंड मिलता हूँ अभी 2 मिनट में। नहीं जा सकते भाई इस तरफ से, नहीं जा सकते यार, उस वाले गोल्ड को अगर हमें रॉबरी करनी है ना, रॉब उस वाले गोल्ड को गाइस अगर हमें रॉब करना है, तो उसके लिए यार हमें दूसरे वाले जो पासवर्ड है उनको भी क्रैक करना पड़ेगा, तभी ये जो वाले वॉल्ट हैं ये वाले खुलेंगे। और यहाँ पे भी देखो डायमंड या फिर गोल्ड वगैरह कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो इतना ज़्यादा भी लालच ठीक नहीं है। वैसे चलते हैं अब यहाँ से अपन लोग। और इस बंदे को तो मैंने मतलब यहाँ पर जो बंदा था उसे टपका के मतलब ख़त्म कर डाला, कोई दिक्कत नहीं है। और बाहर तो अभी तक किसी को पता भी नहीं चली है ये बात कि गाइस हमने कुछ करा है अंदर, अंदर वालों बाहर वालों के अकॉर्डिंग जो है हम बस अपना चेकिंग वगैरह करके जा रहे हैं चुपचाप, उनके अकॉर्डिंग किसी को अभी तक पता नहीं चला है। तो फटाफट से पहले निकलते हैं इस जगह से, गो आउट द मैरिटाइम एंड वर्ड फिनिश इनसाइड द वॉल्ट। तो पहले फटाफट से हम यार यहाँ से बाहर निकलना है, और बाहर निकलते के साथ ही मतलब अपना जो है चुपचाप गाड़ी के अंदर बैठ के चले जाना है, ये हमारा प्लान ए। अगर ये काम नहीं करता तो हमारे पास एक प्लान बी भी है हमारे पास। तो गाइस फाइनली अपन लोग आ चुके हैं, फटी जल्दी जल्दी भागते भागते अपन लोग जस्ट आ ही चुके हैं इस जगह पे जहाँ पे जहाँ से हमने एंट्री की थी। और इन लोगों के ओ भाई 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 कॉल पर बात कर रहा है यार ये बंदा, भाई मैंने कुछ नहीं करा सर, मैंने कुछ भी नहीं करा, मैं चुपचाप जा रहा हूँ बस,
हाँ मैं ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैं मतलब चुपचाप जा रहा हूँ, मैंने चोरी वोरी कुछ भी नहीं करी अंदर, मैं बस चुप से, तुम्हारा डायमंड एकदम सेफ है और एकदम असली डायमंड है, कोई वैसी दिक्कत ही नहीं है। तो यहाँ से अभी मुझे बाहर निकलना है, कहाँ से जाऊँगा बाहर, कहाँ से, ये री स्टेयर्स मिल गई, गो ऑन द मैट ट्रैप वंस यू हैव फिनिश्ड। ओके अभी हमें यहाँ से जाना है गाइस ऊपर की तरफ, यहाँ से लिफ्ट वगैरह काम नहीं कर रही है इस वक्त, पता नहीं क्यों नहीं कर रही है, किस्मत ख़राब है, क्या दिक्कत है यार, कह नहीं सकते कुछ भी, और या फिर ये डायमंड कसिनो वालों की सस्ती थी जॉब है तो उस वजह से कुछ भी हो सकता है। कसिनो SS, ओके कसिनो का SS यहाँ से है, और भाई बाहर कहाँ से निकलेंगे यार, मैं खो जाऊँगा यार, इतना बड़ा डायमंड कसिनो मैंने चोरी तो कर ली, पर खो जाऊँगा यार, कहाँ पर है। तो चलो यार रुको गाइज, मेरे को अभी थोड़ा बहुत टाइम दो, मैं ढूंढता हूँ फटाफट से, उसके बाद अभी मिलता हूँ। तो भाई यार देखो मतलब काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी है, मैं पूरे डायमंड कसिनो में इधर से उधर घूम रहा हूँ और कोई भी रास्ता मेरे को नज़र नहीं आ रहा है जहाँ से मैं निकल सकूँ यार, और मतलब इतनी ज़्यादा देर हो चुकी है ना, मतलब घूमते घूमते भी थक चुका हूँ मैं भी, तो जाना किधर से है यार ये चीज़ देखनी पड़ेगी अब मेरे को भी, किधर से जाना है एटलीस्ट। और भाई साहब कसम से बात, एक कमाल की बात तो ये है कि अभी तक किसी को भी ये नहीं पता चला है कि डायमंड कैसीनो के अंदर हाईएस्ट हो चुकी है 8 मिलियन डॉलर्स की, यार कुछ 8 मिलियन डॉलर्स के आसपास की कुछ हाईएस्ट हो चुकी है सक्सेसली, बस निकलना है यहाँ से बाहर। तो खाई फटाफट से यार मैं रास्ता वस्ता ढूंढता हूँ यार कहाँ से जाना है, कि काफ़ी सारे मतलब 300-400 रूम्स हैं, उनमें से निकलना पड़ेगा बाहर, तो देखता हूँ थोड़ी देर के अंदर, अभी रुको। तो भाई लोग यार काफ़ी देर के बाद मतलब जो है मैं यहाँ पर डायमंड कैसीनो का जो मतलब मेन जो मतलब जो भी है जिसे हम कह सकते हैं गैरेज के अंदर मैं घुसा हूँ, और यहाँ से जो सबसे पहले गाइज मेरे को जो है यहाँ पे इन CCTVs को जो है क्रैक करना होगा, इन पे बस एक एक पिस्टल मारने की ज़रूरत है अपने आप, बाकी ये खुद ही क्रैक हो जाएंगे। एक यहाँ पर भी है, इसके अंदर 2-3 मार देते हैं, ख़त्म कहानी इसकी भी कहानी ख़त्म। और ये तो मतलब नॉर्मल ही ऐसे ही वाले हैं, छोटी मोटी लाइट्स वगैरह लग रही है मेरे को, या फिर स्पीकर्स हैं गाइज, आई थिंक ये स्पीकर्स हैं, कोई मतलब CCTV नहीं है, CCTV यहाँ पर बस 2 ही लगा रखे थे क्या इन्होंने। बाकी गाड़ी भी अपने को भाग की कमाल की मिल चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लुक में और काफ़ी ज़्यादा भागने में भी तेज़ लग रही है, स्पोर्ट्स कार है वैसे तो। तो चलो भाई लोग यार अपन बाहर भी आ चुके हैं इसके, और अभी तक अपनी जो डायमंड कैसीनो की जो हाईएस्ट है वो पूरी की पूरी तरीके से सक्सेस हो चुकी है, एंड किसी को मतलब पता तक नहीं चला है कि अपन ने डायमंड कैसीनो में हाईएस्ट कर लिया है। तो ये हाईएस्ट मतलब अपने को पड़ी है 8 मिलियन डॉलर्स की गाइज, और बड़े ही प्यार से हमने इस हाईएस्ट को कंप्लीट कर दिया है, तो बिना किसी दिक्कत के, हमें पुलिस वालों को पता नहीं चला है, साथ में ना ही पता चला किसी भी मतलब जो भी ग्रुप 6 वालों के बंदे हैं उन्हें भी पता नहीं चला, साथ में डायमंड कैसीनो को जो स्टाफ है उसे तक नहीं पता चला ये बात। तो बाकी भाई लोग यार देखो अपने जो भी डायमंड कैसीनो से हैज जो कंप्लीट कर लिया, और इस गाड़ी को भी हम ले जाके मैं जो मतलब फोड़ने वाला हूँ, क्योंकि इसका भी मतलब कोई भी प्रूफ नहीं बचना चाहिए, गाड़ी कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों है, तो कुछ भी मतलब प्रूफ वगैरह नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो ऐसी एक जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ पे मतलब कोई पास में ना हो, वहाँ पर इसको अंदर बॉम्ब फिट करके अपना जो है इसको मतलब ख़त्म कर देंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, समझ रहे हो। तो यार देखो बाकी आज का वीडियो कुछ इतना ही था, अभी मैं जा रहा हूँ इसको यहाँ कहीं ब्लास्ट करने के लिए, ये एरिया बेहतर है भाई, सबसे बेहतरीन एरिया मिला है, और चलते गाड़ी से कूद गए हैं भाई लोग यार अपन लोग, मतलब कुछ भी कर रहे हैं यार, देखो यार कुछ भी कर रहे हैं अपन लोग, बट अपने जो स्टिकी बॉम्ब्स हैं ये रहे, और स्टिकी बॉम्ब जो है मैं इस गाड़ी के ऊपर फेंकने वाला हूँ, 2-3 बहुत होंगे मेरे ख्याल में जितने भी हैं, एंड यहाँ से पहले मैं बाहर दूर चला जाता हूँ, उसके बाद जो है ये 5 बॉम्ब मैंने इसके ऊपर प्लांट कर दिए हैं, और यहाँ से अभी मैं जो है ये क्या भाई, मतलब इस बंदे ने इतना बुढ़ापा आ चुका है कि दीवार नहीं चढ़ी जा रही इस बंदे से, वहाँ से उल्टा इन बंदों ने देख लिया मेरे को, अभी इनको भाई स्टन करना पड़ेगा मेरे को लग रहा है, स्टन कर इन्हें, स्टन कर, अरे सर ऊपर भाग रहा है ये, ऊपर भाग जाएगा भाई, इसको तो मारना पड़ेगा लग रहा है, ये भाई भाग जाएगा वरना। चलो गाइस इनको तो मैंने टपका दिया है दोनों को, और यहाँ से भी जो मैं ये भी बचा था भाई, इसको भी मारा, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया ये भाई साहब। चलो गाइस अभी हम ब्लास्ट कर देते हैं अपना जो भी है, गाड़ी मैंने ब्लास्ट कर दी, और पुलिस अपने पीछे पड़ी तो है, इस वजह से नहीं कि हमने डायमंड कैसीनो हाइस्ट करी, इस वजह से कि हमने 2 बंदों को मार दिया है और गाड़ी वाड़ी चुरा ली है, इस वजह से हमारे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, तो उनसे भी मेरे को पीछे छुड़ाना पड़ेगा। तो रुको गाइस अभी थोड़ी देर, अभी गाइस आज की वीडियो कुछ इतनी ही, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना जरूरी है, एंड बताना जरूर मैं कमेंट सेक्शन में हाईएस्ट आप लोगों को कैसी लगी, एंड बाकी देखो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टाटा गुड बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।